ऊपर से लिक्विड चीज़ लाइक ए रिबन, बहुत बढ़िया यार। सो ये जो आपका पिज्ज़ा है जी अब जाएगा सीधा ओवन के अंदर। पनीर मखनी पिज्ज़ा, एक तो भाई साहब इसका साइज़ चेक करो यार, एक 17 साल का लड़का ये चीज़ें बना रहा है, अनबिलीवेबल। लुक एट द साइज़ मैन, इट्स मैसिव। में आपका स्वागत है, मैं हूं आपका अपना हरिया। और मुझे पता है कि ये जो अमेजिंग प्लेसेस जहाँ पे मैं जाता हूँ, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गलियों में, नुक्करों में, ये सब जगहों पे आप भी जाना चाहते हो। और इन सबको एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐप है जो मैं यूज़ करता हूँ, उसका नाम है InDrive। ये एक बहुत ही शानदार ऐप है जिसको मैं यूज़ करता हूँ इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए। जैसे आज मैं आया हूँ लुधियाना से जलंधर, यहाँ की बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लेसेस को एक्सप्लोर करने। ये काम ना इस ऐप से बहुत आसान हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, गूगल पर बढ़िया बढ़िया जो फूड प्लेसेस होती है ना, उनकी जो लोकेशन होती है वो कॉपी करके InDrive के इंटरसिटी सेक्शन में ना मैं एंटर करता हूँ लोकेशन ड्रॉप की, और कुछ ही सेकंड्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ड्राइवर्स के विद सूटेबल प्राइसेस। इनका ना कोई एल्गोरिदम नहीं है, तो बाकी राइड हेलिंग ऐप्स की तरह ना ये ट्रैफिक के हिसाब से, टाइम के हिसाब से अपना रेट मैनिपुलेट नहीं करते। निगोशिएशन करके जो बेस्ट प्राइस आपको लगता है वहाँ पे आप राइड एक्सेप्ट कर लो। आना जाना कन्वीनियंट तो हो ही जाता है, बाकी रास्ते में 2-3 शॉर्ट वीडियोज, रील्स, ये सब एडिट हो जाती हैं या फिर किसी फ्रेंड से डिस्कशन हो जाती है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना वो ये है कि वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंच के पार्किंग का कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं। आराम से अपनी फेवरेट फूड प्लेस जाओ, वहां पे बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, और जैसे ही काम खत्म हो जाए दोबारा से InDrive ऐप खोलो, घर आओ और आपका काम ऐसे ही हो गया। InDrive ने ना मेरा एक्सप्लोरेशन का काम तो बहुत ही आसान कर दिया है। आपकी अगर कोई InDrive स्टोरी है तो कॉमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताओ। और अब इंजॉय करो आज की स्टोरी। तेरह साल की उम्र से जदों मैं जॉब की थी, पार्ट टाइम जॉब करता सी। मैं नानके वो सीखा ही काम करनाल तो, करनाल मेरे नानके, उन्होंने को रहिंदा ही, उत्थे ही पढ़ाई करता ही, नाल जॉब उत्थे करता ही। हौली हौली ये काम सिखदा रहा। पहला जदों मैनू काम सिखाते सी मेरी पे सी 5,000 रुपया, जे एक छुट्टी कर ली बिना दसे, 2 छुट्टियां के पैसे कट्टे जाने, विदाउट वर्दी गया वो पैसे कट्टे जाने। जे मैं पूरे टाइमिंग ते ना पहुँचा, राती अद्धा घंटा भी वध लवाना तो वो पैसे भी कट्टे जाने। तो कट कटा के मैनू 2,000-2,500 रुपया सैलरी आती होंगी सी मेरी। मैं घर आके रोंदा होंदा सी कि मैं नहीं ये काम सीखना, मैं नहीं काम सीखना ये वो। हौली हौली आदत पै गई उस काम की, फिर करना शुरू हो गए। अपने घरद्यां नूं कहा सी कि मैं करना तो अपना ही करना। तो ये 7 मार्च नूं मेरा जन्मदिन सी, तो मेरे पापा ने मेरा काउंटर तो ओवन तैयार करा के दिल्ली तो लियाता, तो मैनू इत्थे लाए, कहते चल तेरे नाल गल करनी है, उत्थे चल। इत्थे लै के तो उन्होंने मेरा काउंटर खोलिया, तो मैनू बहुत खुशी हुई। उन्होंने मेरा ये सारा फूड काउंटर अपने हथीं तैयार कराया सारा, एक एक चीज़ उन्होंने फिर मैनू दसी। फिर वो कहते अल्लाह कल ओपनिंग है, तो अल्लाह बैनर बुनर आपे ही सब कुछ करा के। पापा ने किया? हाँ जी सर, 7 मार्च को मेरा जन्मदिन सी, उन्होंने मैंने घरद्यां ने बड़े गिफ्ट दिता जी। स्कूलों आंदा ही, घरें वेला रहिंदा ही, आवारागर्दी करता ही, मुंडियां नाल घुमदा फिरदा सी। पर मैं सोचा चल यार कुछ सीख लीए, कुछ बन जाऊगा। सिखदे सिखदे सर अज इत्थों तक पहुँच गए। मम्मा ते पापा ने दोनों ने लैके दिता सी गिफ्ट, आशीर्वाद भी दिता सी। नाले इक्को गल कही सी, कहंदे जे किसी नूं फूड देना वा तो वधिया देना, जे चीज़ महंगी है तो महंगी लैनी, हल्की वाली नहीं लैनी, हल्का मटीरियल नहीं देना, चीज़ देनी तो वधिया मटीरियल देना, वधिया फूड देना। मैनू इदा सी ना, मैनू रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा पसंद सी, तो मैं सोचता ही मैं जिते जाता ही रेडीमेड बेस मिलता ही पिज़्ज़े का, क्रिस्पी आ जाता ही, मज़ा नहीं आता ही, वह हैवी हो जाता है। मैं सोचा ही, मैं आप सोचता ही यार फ्रैश डो पिज़्ज़ा खाना कितने जावा, कितों मिलूगा फ्रैश डो पिज़्ज़ा। हौली हौली करते करते फिर मैं आप ही फ्रैश डो पिज़्ज़ा सीख गया। तो ये लग रहा है जी भाजी का फेवरेट पनीर मखनी पिज़्ज़ा, 12 इंचेस का बेस है, इसके ऊपर ये आ गई जी मखनी सॉस, लिक्विड चीज़। लुक एट द साइज ऑफ दिस पिज़्ज़ा यार। एंड ये आ गया जी मोज़रेला चीज़, कैप्सिकम, मैरिनेट किया हुआ पनीर, ये मखनी ग्रेवी सॉस। अच्छा जी, क्या बात। सो मखनी ग्रेवी सॉस के अंदर मैरिनेट किया हुआ है जी पनीर को। ढेर सारा पिज्जा चीज़ एंड ओ भाई साहब, कम से कम 1-1.5 किलो का पिज्जा होगा भाई साहब, बहुत हैवी लोडेड। जेड़ा एदे च फार्म हाउस पिज्जा ओ 2.5 किलो दा भाई, 2.5 किलो दा, क्योंकि ओदे च 5 वेजिस हुंदी है, वेजिस दा वेट आ जांदा, चीज़ दा वेट आ जांदा। जी जी जी। ते उदा डो भी 410 ग्राम का, तो डो ही है वेट। जो बेस्ट चीज़ है ना वो ये कि भाई को एक चीज़ पता है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। और ये देखो जी फ्रेश रेड पपरिका, वाह जी वाह। पर ये तो शौकीन पिज्ज़ा पूरा है ना, पिज्ज़ा भी शौकीन है, बंदे भी शौकीन है। सर मेरा फेवरेट है, मैं और कोई पिज़्ज़ा खाता ही नहीं। तुम खाते ही नहीं और कोई? मेरा मक्खनी फेवरेट है। सो ये जो आपका पिज्ज़ा है जी अब जाएगा सीधा अवन के अंदर। लुक एट द साइज मैन, इट्स मैसिव। वाह, तो ये आपका पनीर मक्खनी पिज्ज़ा जो है वो बन के तैयार है जी। एंड लुक एट द वे दिस हैज़ बीन सर्व्ड, क्या बात है जी। पापा का एक्सीडेंट हो गया पिछले महीने 24 तरीक को बादशाहपुर बस वाला थले दे गया जी, तो रोड एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने मौके पर डेथ हो गई। आटो चलाते सी जी, सवारी लेके गए सी बादशाहपुर के लागे, तो बस रोंग साइड तो आ रही थी, ओवरटेक किया तो बस वाला थले कुचल गया उन्होंने। एक्सीडेंट तो सवेरे 7:30 बजे होया, सानू फोन आया 10:30 बजे, वो भी आटो यूनियन वाले उत्थे सारे इकट्ठे हुए सी। वो कहते कि ये उन्हों का ही आटो आ, मॉडल हाउस रेंदे चावला जी। उन्हें कितों नंबर लै लू के सानू कंटैक्ट किया, फिर मैं गया तो देखा जब तक मैं पहुंचा ना एंबूलेंस पापा नू लै गए सी, उत्थे कुछ भी नहीं सी, उत्थे बस बस खड़ी सी ते आटो खड़ा सी अपना, तो बाकी मुलाजम खड़े सी। मुलाजम कहते कि आप बस का ड्राइवर फड़ लिया या कुछ भी, तो उन्होंने FIR लिख ली सारी। हॉस्पिटल जाके सर सानू डॉक्टर ने पहले ही कहता सी, कहता कि ये खून नहीं रहे इन्हां दी। उत्थे सानू दस्या किसी ने, कहते जदों इन्हां नू एंबूलेंस च पाया सी ना 1 मिनट का साह हैगा सी, और जदों आटो च खिंचया ना आ चीज़ अंदर ही प्रैस हो गई, दबी गई, तो जदों आटो चो कड्ढिया ना तो तां करके सर उत्थे ही 1 मिनट का टाइम सी, और जदों तक कड्ढिया उत्थे ही साह छड्ड गए। तां करके सर घर दी जिम्मेवारियां सी। डॉक्टर ने सर कोई जवाब नहीं दिता, डॉक्टर तो आप रोन लग गया कि जो मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लैन गया, कहता एक भी हड्डी सबूती नहीं निकली, सारी चकना चूर हो गई हड्डियाँ, तो आटो का भी कुछ नहीं बचा, आटो का भी पूरा चकुंबर हो गया एकदम। मेरे पापा ने ही लैके दी जी 7 मार्च को मेरे बर्थडे, तो उन्होंने मैंने गिफ्ट दिता ही 6-7 मार्च को, उन्होंने सवेरे लैके खिलारती सी, तो मैनू शामी लैके आए घरों, दीदी हरी सारे आए थे, कहते चल आ तेन एक चीज़ दिखानी पिछे चल, घर साडा गली जी है ना लग गई, तो मैनू कहते चल पिछे चल, जदों आए तो इन्होंने ला के रखी हुई सी, आ छत भी उतरी सी, यह भी सी पूरा पैक होया पाया सी, मैनू नहीं पता सी की है, कहते कि चलो खोलो इनू, जदों मैं खोलिया तो फिर मैनू पता लगा, मैं बहुत खुश होया अंदर उदा। हाँ जी, मेरे पापा का ही ड्रीम है जी, मेरे तो कोई ड्रीम नहीं है ये, क्योंकि मैं तो यही याद रहांगा कि मेरे पापा ने मैनू इन्ना वधिया गिफ्ट देता, सब कुछ करके देगी। उन्होंने याद तो आती है, दिन रात आती है जी, कई बार तो मन ही नहीं लगता काम च, कई बार इदा होंगे कि नहीं यार अज नहीं करना, जो फिर 3-4 कस्टमर आ जाते मन होर हो जाता सर, फिर गलबात कर ली थी उन्होंने, डील वगैरह कर ली थी, 1-2 ऑर्डर लगा ली थे, और फिर मन उधर ध्यान हो जाता। एक जो डो है इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ मक्खन आया, तो मैंने पूछा पाजी ये क्या है, तो कहते हैं कि ये है जी गार्लिक ब्रेड, एदे ते फ्लेवर ली ओरिगैनो पावांगे। अच्छा जी, ये आ गया जी ओरिगैनो, ये आ गया जी पिज्ज़ा चीज़, वाह, प्याज, और ये आ गई जी हिंदी में कैप्सिकम, और ये आ गई जी अमेरिकन कॉर्न, हैलापिनो, ये सर ब्लैक ऑलिव्स आ गए, वाह जी वाह, ये आ गए जी ब्लैक ऑलिव्स, बहुत बढ़िया। ये है जी वेज लोडेड गार्लिक ब्रेड, ऊपर से लिक्विड चीज़ लाइक ए रिबन, बहुत बढ़िया यार। चॉप गार्लिक आ गया गार्लिक ब्रेड के लिए, अब इसको फोल्ड कर लिया जाएगा, मुझे वो फील आ रही है जैसे मैं डोमिनोज की किचन में होता हूँ। ये आ गई जी आपकी गार्लिक ब्रेड सीधा स्क्रीन के ऊपर, पिज्जा स्क्रीन के ऊपर। अब इसकी स्टिक्स बनेगी जी, इसमें से पिज्जा चीज भी जो है वो लीक करेगा, है ना? हाँ जी, मैं आपकी ना चीज चलो जिम्मे इतना ला रहे होने ऑर्डर तो जे जी कर जे कि अपना खाने का फिर की करते हो? नहीं सर, हाँ जी पहला सारे गेस्ट दा ला के फिर अपना लगाई दा रात नूं, जदों फ्री हो जाए लास्ट अपना लाने हो। हाँ जी, जिहड़ा तुसीं लास्ट से लाने हो ना, आज मेरे नाल वो खाओ तुसीं, ठीक है जी? ठीक है सर, आज आपां इकट्ठे खावांगे। मक्खन लगा के गार्लिक ब्रेड सीधा अवन के अंदर। तो ये है जी हरमन पाजी का फेवरेट पिज्ज़ा, दिस इज़ द पनीर मखनी पिज्ज़ा। एक तो भाई साहब इसका साइज़ चेक करो यार, इतना ह्यूज, दिस इज़ लाइक ऑलमोस्ट अ KG। ओ भाई साहब क्या बात है जी। Here's a pizza slice. I can't wait to take a bite. This pizza is dedicated to his journey. Beautiful. मुझे यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। I can't actually define the taste. ये इतना ज़्यादा अच्छा है ना, दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक आई कैन से कि स्ट्रीट पे इससे अच्छा पिज़्ज़ा मैंने आज तक नहीं खाया। ये एब्सोल्युटली द बेस्ट पिज़्ज़ा ऑन अ स्ट्रीट, बहुत बढ़िया यार। पाजी ने बोला था जो एक बार पनीर मखनी पिज्ज़ा खा लेता है ना वो कुछ और नहीं खाता, एंड मैं एब्सोल्युटली उस चीज़ से एग्री करता हूँ। आज के बाद जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा मैं सिर्फ और सिर्फ पनीर मखनी पिज्ज़ा खाऊँगा यार। ये ऐसा पिज्ज़ा है कि इसको ना मज़े से आराम से खाने का मन करता है, बहुत स्वाद है। हरमन पाजी मान गए यार, एक 17 साल का लड़का ये चीज़ें बना रहा है, अनबिलीवेबल। मैं जब 17 साल का था ना तभी मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं ज़िंदगी में, क्या लाइफ में क्या करना है, एंड भाई ने ऑलरेडी डायरेक्शन ले लिया है और इतना बढ़िया खाना बना रहे हैं, धुएँ निकल रहे हैं पिज़्ज़ा से। मज़ेदार है। इस पिज़्ज़ा को इतना अच्छा बनाने के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले पिज़्ज़ा का बेस, क्योंकि वो ये फ्रेश बना रहे हैं तो टेस्ट में बहुत एविडेंट है कि आप एकदम फ्रेश चीज़ खा रहे हो। करेक्ट। ऊपर से जो उन्होंने वो मखनी पनीर डाला है ना, वो पनीर मखनी सॉस में मैरिनेट करके इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है ना पिज़्ज़ा का, इतना अच्छा फ्लेवर। और सबसे बड़ी बात है जो फ्रेशनेस फील हो रही है, जैसे आप बाइट ले रहे हो ना वो एकदम पता लग रहा है कि आप बिल्कुल फ्रेश बेक चीज़ खा रहे हो। करेक्ट करेक्ट। सो यमी। पहले तो ये बात है कि पंजाबियों को जो अच्छा लगता है खाने में वो है पनीर, और वेजिटेरियन में पनीर ना मतलब वेजिटेरियन के लिए बहुत अमेजिंग चीज़ होती है। और पिज़्ज़े के ऊपर ना जो कलर इसका बन रहा है ना, अमेजिंग भाई साहब। तो एक और बात है, इसका जो बेस है ना एकदम थिन रहने वाला है। ये चेक करें, ट्राई करते हैं। जो सबसे अच्छी बात है ना पाजी की, मतलब एक इतनी अच्छी मुस्कुरान के साथ देते, इतनी अच्छी स्माइल के साथ देते ना तो खाने वाले के मतलब खुश हो जाते, दिल पूरा खुश कर देते हैं। और 17 साल की एज में मतलब ऐसा पिज़्ज़ा बनाना मतलब जो कोई सोच नहीं सकता। और एज ए बीन शेफ बनने में 5 साल लग जाते हैं, और पूरी पाजी ने 17 साल की मतलब 17 साल में ऐसा पिज़्ज़ा सर्व कर रहे हैं। और जो वेजिस का इसमें जो फ्लेवर आ रहा है, जो इसमें पनीर का मतलब जो इन्होंने अपनी सॉस बनाकर पनीर मखनी सॉस बनाकर जो फ्लेवर दे रहे हैं इस पिज़्ज़े में, भाई साहब नेक्स्ट लेवल।